वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.3 और हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री इनटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने पहली इससे पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह से करवा दिया था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड 1048, 1023 डिग्री, 1067 डिग्री। देखो 48 का कॉम्प्लीमेंट कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके साथ किस एंगल का सम 90 बन रहा है, 48 का किसके साथ बन रहा है, 42 के साथ बन रहा है ना, और 23 का किसके साथ बन रहा है, एक लाइन लगा देता हूं, 67 के साथ। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 23 और 67, क्योंकि इनका सम क्या बन रहा है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। इनमें से आप 48 में से 42 में से एक को चेंज कर लो, 23 और 67 में से एक को चेंज कर लें, तो हम मैं इसको चेंज कर रहा हूं इसके साथ और 23 में 67 को इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है। स्टार्टिंग वाले हम चेंज नहीं कर रहे, मर्जी है आपकी, स्टार्टिंग वाले भी चेंज कर सकते हो आप, 1048, 1023 डिग्री, 10। अब मैं 42 एंगल्स को चेंज कर रहा हूं, 90 में से क्या माइनस करें कि 42 आ जाए 48। सर मैंने एंगल को चेंज किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं, जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर रहा हूं, दो तरीके हैं जो मैं ये यूज कर रहा हूं, थोड़ा आसान है। 10 90 67 को चेंज कर रहा हूं मैं, 90 में से क्या माइनस करें जिससे कि हमारा 67 आ जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट पड़ा है 23 है ना इसका कॉम्प्लीमेंट, दो ठीक है। दिस इज 10 48, 1023 डिग्री। अब 1090 माइनस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाओगे आप, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्या यूज किया हमने, सिंस 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से हम इसको लर्न करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके आगे 10 किस में चेंज होगा, 90 माइनस थीटा है तो 10 के आगे को लगा दो, को टेंजेंट हो गया, कोट थीटा, तो 1090 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा किसका काम कर रहा है हमारा, 48, ठीक है। 1090 माइनस थीटा क्या बन गया, कोट थीटा। अब ध्यान दें, ये बन जाएगा हमारा 1, 10 और कोट, कैसे 10 थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, आप चेंज कर सकते हैं 1048, 1023 डिग्री। अब 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, कोट का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो कोट थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो 1/10 थीटा, इसको लिख सकते हो 1/10 23 डिग्री, सिंस कोट थीटा 1/10 थीटा होता है। आपको मैंने बता रखा है कि कोट का रेसिप्रोकल 10 होता है, 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया, कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, तो दिस इंप्लाइज हैंड्स टू। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड है कोस 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस, प्रूव करना है आपने, sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, अब ध्यान दें इसमें से एक को चेंज कर लो, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं,
तो एक को चेंज कर लो, या तो कोस को कर लो या साइन को, पहले को चेंज कर लेते हैं। इनमें से भी आप सिर्फ क्या करो, एक को चेंज करें। तो मैं एक को चेंज कर रहा हूं कोस स्टार्टिंग को, इसमें से क्या माइनस करें, 38 आ जाए, 52 कोस 52 माइनस, इसमें से भी हम इसी को चेंज कर लेते हैं 30। देखिए हमारा ये एंगल हमने पूरे का पूरी किसमें चेंज किया है, 52 में चेंज किया है ना, तो आप इसको भी 52 में ही चेंज करेंगे, ठीक है। 38 को ही चेंज करो या 52 को चेंज करो, 38 को ही चेंज करा मैंने, साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52, तो कोस 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए आपने, को है तो हटा दिया तो साइन थीटा बच गया, साइन 52 कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है कॉस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री सेम है। देखो साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, ये भी तो क्या है, साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, कितना आ गया 0, कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो हम इसका सिंस रीजन क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, थीटा होता है, तो थीटा में ये किस में चेंज होगा, को हटा दो कोसाइन है, कोसाइन साइन हो गया, यहां पे ये लगाया मैंने कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा यहां पे कितना हुआ 52 डिग्री, और यहां पे चेंज किया साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या बन गया कोस थीटा, कोस थीटा ये यूज किया हमने, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मेरा क्या है 52 का काम कर रहा है, यहाँ पे ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ क्वेश्चन नंबर 3, टेन टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a, दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेन टू ए हमारा इसके इक्वल दिया हुआ है, 2a हमारा एक्यूट एंगल है, एंगल किसकी वैल्यू निकालनी है हमने a की, देखिए इधर tan 2a किसके इक्वल दिया हुआ है, cot a माइनस 18 के। अब ध्यान दें, या तो दोनों तरफ tan बना लो या दोनों तरफ cot बना लो, क्योंकि यहां पे 10th क्लास में आपके ट्रिगो का रूल है, इफ tan x इज इक्वल टू tan y, x और y एंगल है, आप इनको a और b भी ले सकते हो कुछ भी, देन x इज इक्वल टू y, वेयर x एंड y आर एक्यूट एंगल, x और y क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए, यहां पे हमारे एक्यूट ही है, tan x हो दोनों तरफ sin sin हो तब भी, यानी कि sin x इज इक्वल टू अगर sin y होगा तब भी x किसके गुण होगा y के, ये नहीं है इनको काट दोगे गलत हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, बच्चों की कॉमन मिस्टेक होती है ये, ठीक है। अब इसको मैं या तो इसको कोट में चेंज कर लेता हूं या इसको मैं टेन में चेंज कर लेता हूं, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है सेम बना लो। मैं इधर इसको चेंज कर लेता हूं, ये एंगल इसमें दो टर्म है, इसको चेंज कर रहा हूं टेन थीटा, अब टेन थीटा हमारा कोट टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेन में होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के केस में, कोट 90 माइनस थीटा ये है हमारा, क्यों तो भी tan थीटा जो होता है हमारा, जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, tan cot में चेंज होता है, sin cos में चेंज होता है, आपको पता है, तो cot 90 माइनस थीटा ये यहां पे ये लगाया भाई हमने, tan थीटा cot 90 माइनस, अब दोनों तरफ cot हो गया ना, अब ये नहीं है cot से cot काट दोगे गलत हो जाएगा, काटते नहीं है दोनों मल्टीप्लाई में थोड़ा ही है, तो ये हमने रूल लगाया है, इफ कोट अगर कोट x इज इक्वल टू कोट y के इक्वल है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, काटना नहीं है, तो 90 माइनस 2a किसके इक्वल हो जाएगा, बच्चों की कॉमन मिस्टेक होती है जो कि क्या करते हैं इनको काट देते हैं, कटेगा तो तब जब मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ये रूल है हमारा, अगर दोनों तरफ साइन साइन होते हैं तब भी ऐसा ही होता, और एक तरफ साइन हो एक तरफ कोस है तब नहीं होगा। देखो पहले हमने टेन को किस में चेंज करना पड़ा, कोट में चेंज करना पड़ा ना, दोनों तरफ कोट हुए तभी जाके एंगल्स भी इक्वल हुए। अब 90 18 इधर ट्रांसपोज कर दो, 2a उधर माइनस का है तो इधर ले आओ 3a हो गया,
ये कितना आ गया हमारा, इसमें से माइनस करेंगे 72 इज इक्वल टू 3a, उधर माइनस का है स्टूडेंट्स, इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 108, तो 3a यानी कि a हमारा कितना आ गया 108/3, तो a हमारा कितना आ गया 36 डिग्री, कैंसिल करेंगे ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इज इक्वल टू tan b, सॉरी cot b, प्रूव a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने शो करना है a प्लस b क्या होगा 90 डिग्री। देखें सेम क्वेश्चन है, गिवन क्या है हमारे पास, tan a इक्वल टू tan b के इक्वल गिवन है cot b के, तो दोनों तरफ या तो tan बना लो या cot बना लो, एक तरफ tan है एक तरफ cot है, ठीक है, तो मैं इधर cot को बना लेता हूं, इसको मैं cot को tan बना लेता हूं या tan को cot बना लो, आपकी मर्जी है, चलो हम उसको बनाते हैं tan a इक्वल टू, cot किसके इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, सिंस किसका यूज किया हमने, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, तो tan से tan कट गया, समझ सकते हो आप, काटना नहीं है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों तरफ सेम है तो एंगल्स भी सेम होंगे, a इज इक्वल टू 90 माइनस b, तो a प्लस b कितना आ गया 90, hence proved, इंप्रूव करना था हमने, ठीक है समझ में आ गया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज किया, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए।